हेलो हेलो भाई साहब, एक मिनट। 2 दिन से देख रहा हूँ, आते हो, खड़े होते हो, यहाँ वहाँ किसी का इंतजार करते हो, फिर मार खाकर वापस चले जाते हो। क्या लगता है तुम्हें कोरोना मजाक है? ये डॉक्टर, ये पुलिस वाले 24 घंटे अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे लिए जो पागलों की तरह काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही किसका इंतजार कर? मैं जान सकता हूँ या तुम पागल हो? मेरा नाम, सॉरी, नाम नहीं बोलूँगा, वरना आपका ये वीडियो देखने वाले लोग इंसानियत की नज़र से नहीं देखेंगे, मेरे में एक मज़हब, धर्म ढूंढेंगे। मैं एक लेबर हूँ, जहाँ आप मिले हो वो लेबर अड्डा है साहब। 3-4 दिन तक तो यहाँ वहाँ से मांग के गुजारा कर लिए, आज को 8 दिन हो गए। मैं भूखा रह सकता हूँ, मेरे बीवी बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। आज सुबह की एक बात बताता हूँ, हमारे गली के मूसा अंकल कुछ सामान लेकर घर जा रहे थे, उसमें से एक बन गिर गया और मैं उठा के ले आया। और फिर मैं मरने निकल गया, सोचा मेरे मरने से मेरे बच्चों की भूख नहीं मिटेगी। मैं जाकर अपने अड्डे पे खड़ जाता हूँ, रोज आता हूँ, खड़ता हूँ, खाता भी हूँ। खाना नहीं, डंडे। फिर कल आऊँगा, नया दिन, नई उम्मीद के साथ। कोई एक तो मेरा रिश्वत लेके आएगा साहब। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ ज़रूर, मैं और 10-12 दिन भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जैसे लोग आपके आसपास बहुत लोग भूखे हैं। आपके घर में जितना खाना फेंकते उतना भी खाना वो लोग को दे देंगे तो काफ़ी है सर। ये अमीरों की बीमारी हम गरीबों पे भारी पड़ रही है साहब। मैं अनपढ़, जाहिल, आप जितना समझदार नहीं, मगर एक बार जरूर बोलूंगा आप लोग से, ताली बर्तन बजाने से किसी की भूख नहीं मिटती। मैं कुछ गलत बोला, माफ कर दो, अनपढ़ समझ के। हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमको ही कुछ करना होगा एक दूसरे के लिए। प्लीज ये थे हमारे लेबर साहब, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया लेकिन अपनी आप बीती सुना कर गए हैं। कैमरामैन शमशू के साथ मैं आमिर सियासत।